Hey everyone, welcome back to this channel Witty and today in this session we are going to talk about daffodils. Daffodils is a poem that is written by William Wordsworth. So let's see what William Wordsworth has written uh, in this title Daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils.

बादल का कंपैरिजन हुआ है रोम अलोन पोइट से तो इसलिए हम यहाँ पर सिमिली यूज़ करेंगे आई वॉज रोमिंग अलोन रोम रोम अलोन कर रहा था एक क्लाउड की तरह द पोइट वॉज रोमिंग अराउंड एमलेसली तो रोम अराउंड का मतलब होता है जब आप बिना किसी काम के इधर उधर भटक रहे हो घूम रहे हो दैट इज़ कॉल्ड रोम अराउंड जैसे कि आपने देखा होगा कि बादल इधर से उधर चलते रहते हैं वही इमेजिनेशन यहाँ पर पोइट लेके आता है कि मैं भी उन बादलों की तरह अकेला एक दिन घूम रहा था ल्स दैट मीन्स वो क्लाउड जो कि फ्लोट करता है कहाँ पर वैलीज और हिल्स के ऊपर दीज आर दिल्स एंड दीज आर द वैलीज तो वो जो बादल जो वैलीज और हिल्स के ऊपर फ्लोट करता है उसी तरह मैं भी एक दिन आवारा घूम रहा था रोमिंग अलोन वेन ऑल एट वी अचानक सडन आई सॉ अउड मैंने एक क्राउड देखी एक भीड़ देखी ठीक है A crowd of daffodils. और वो क्राउड किसकी थी daffodils की. फ्लावर्स गोल्डन ऑफ का मतलब है large number of, बहुत सारे ढेर सारे गोल्डन डेफिडिल्स मैंने देखे ठीक है डेफिडिल्स का कलर पूछा जाए आपको तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोल्डन थे बिसाइड द लेक लेक के पास में बीनीथ द ट्रीज ट्रीज के नीचे क्वेश्चन यहीं से बनता है कि डेफोडिल्स कहाँ थे आंसर आता है बिसाइड द रिवर ओवर द रि अबव द रिवर बिसाइड द लेक अबव द लेक ठीक है तो यू नीड टू पुट करेक्टली एज इट इज रिटर्न इन टू दिस बिसाइड द लेक सो सपोज दिस इज द लेक ओके एंड जस्ट बिसाइड दिस लेक पोएट हैव सीन सो मैनी डेफिडल्स ओके अस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ढेर सारे जिसके पास में से ये पानी बह रहा है लेक में और यहाँ पर क्या है ट्रीज है ओके हैविंग ट्रीज तो ये ट्रीज के नीचे यानी कि पेड़ों के नीचे और लेक के पास में बहुत सारे गोल्डन डेफिडल्स थे दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग और वो क्या कर रहे थे हवा में इन द ब्रीज हवा में वो फ्लटरिंग और डांसिंग कर रहे थे लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे जैसे कि इंसान करते तो यहाँ पर ये एक ह्यूमन एक्शन को शो कर रहा है इस ह्यूमन एक्शन को जो कि है फ्ल्टरिंग एंड डांसिंग डैफोडल्स कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है डैफोडल्स को पर्सोनिफाई किया गया है ओके okay. continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way this stretched in never ending line along the margin of a bay ten thousand saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance continuous as the stars taro ki lagatar continuous दट शाइन्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे जिस तरह जो तारे होते हैं हमारी मिल्की वे के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो कि शाइन करते हैं चमकते हैं मिल्की वे के अंदर उसी तरह बहुत सारे जो डेफोडिल्स हैं वो मैंने देखे लेक के पास में एंड दे वर ऑल्सो शाइनिंग और लुकिंग वेरी ब्राइट ठीक है दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन दे वो जो डेफोडिल्स हैं वो स्प्रेड किए हुए थे ठीक है स्ट्रैच इन द सेंसेस फैले हुए थे स्प्रेड किए हुए थे इन नेवर एंडिंग लाइन यानी यहाँ पर हमारी लेक है तो ये जो डेफिडिल्स है और यहाँ पर पोइट खड़ा है यदि तो उसको ये नेवर एंडिंग लाइन मतलब कि जहाँ तक हॉराइजन है उसके एंड तक उसको ये गोल्डन डेफिडिल्स दिख रहे हैं और उसकी वजह से वो एक हाइपरबली यूज़ करता है कि वो कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे यानी कि वो बहुत सारे थे इट इज़ अ हाइपरबली हाइपरबली का मतलब होता है एग्जरेशन बढ़ा चढ़ा के बात को कहना इस कॉल हाइपरबली जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतने सारे डेफिटल्स नहीं हो सकते कि उनकी लाइन कभी ख़त्म ही ना हो ओके बट क्योंकि वो उसको उतना ही दिख रहे थे दैट्स वाई ही वॉज सेट देवर स्प्रेड इन नेवर एंडिंग लाइन कभी ना खत्म होने वाली लाइन में वो फैले हुए थे अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे कहाँ पर मार्जिन मतलब किनारे नदी के किनारे या रिवर के किनारे तो बे को हम कहेंगे लेक एक लेक के किनारे किनारे पर वो पूरे आगे तक फैले हुए थे जैसे मानो कि वो किसी कभी ना खत्म होने वाली लाइन में फैले हुए हैं पेड़ के नीचे लेक के पास में लेक के किनारे ठीक है टेन थाउजेंड सो एट ग्लैंस एक बार में एक झटके में मैंने टेन थाउजेंड डेफोडिल्स देखें अगेन हाइपरबोली कि आप एक झलक में टेन थाउजेंड एक साथ कैसे देख सकते हो आई सॉ एट अ ग्लैंस एक झलक में मैंने दस हजार डेफोडिल्स देखे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पोएट ने एक झलक में कितने डेफोडिल्स देखे और एक ग्लैंस में आप दस हजार डेफोडिल्स देखना ये भी एक हाइपरबोली कि आप अपनी बात पे दबाव देने के लिए यहाँ पर उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलो टॉसिंग देयर हेड्स देयर इज़ अबाउट डेफोडिल्स वो क्या कर रहे थे इतने सारे डेफोडिल्स दे वर टॉसिंग टॉसिंग का मतलब होता हैड टॉस करना मतलब सपोज ये एक डेफोडल्स है और ये दूसरा डेफोडल है तो ये दोनों लहरा रहे थे इसलिए इनके जो सिर है एक दूसरे से टकरा रहे थे आप कोई एक गाना ऐसे याद कर सकते हो जिसमें आप ऐसे हिलते रहते हो कोई लेफ्ट फिर राइट लेफ्ट एंड राइट सो इसको कह सकते हैं कि टॉसिंग देयर हैड्स इंड स्प्राइटली डांस एक ब्राइट एक चमकदार वो डांस कर रहे थे और अपने सिर को एक दूसरे से टच कर रहे थे टॉसिंग देअर है डांस बहुत खुश थे वो लहरा रहे थे आप उसको इमेजिनेशन दिया हुआ है जैसे कि इंसान खुश होता है तो जैसे डांस करता है उसी तरह से वो डेफिडिस जो थे वो अपनी ही मस्ती में मस्त थे द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉक इन कंपनी I gazed गेज एनगेज बट लिटिल थाट बट वेल्थ द शो टू मी हेड ब्रॉड द वेव्स किसकी वेव्स लेक की उस जो लेक की जो वेव्स थी उसकी जो लहरें थी वो भी beside them dance, वो भी उसके साथ साथ dance कर रही थी यानी कि जो पानी था वो कल कल बह रहा था तो वो भी ऐसे लग रहा था कि जैसे पानी भी डांस कर रहा हो और साइड में जो daffodils हैं वो भी डांस कर रहा हो पर दे आउटडिट द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली पर हैप्पीनेस में हम बात करें ग्ली में हैप्पीनेस में उन डेफोडिल्स ने दे आउटडिट मतलब हरा दिया पीछे छोड़ दिया डिफ़ीट कर दिया द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली ठीक है उन चमकदार लहरों को इन डेफोडिल्स ने पीछे छोड़ दिया हैप्पीनेस की तुलना में मतलब डैफोडल्स जो थे वो उन वेव से भी ज़्यादा खुश थे पोएट कोट कोट मींस कैन ओनली बी वो सिर्फ इतना ही कर सकता है नॉट बट बी के यदि वो पोइट सिर्फ खुश हो सकता है इन सच ए जौखंड कंपनी जॉकन कंपनी यहाँ पर दो लोगों की उनकी लाइफ में उनकी सिस्टर थी डॉरो थी और दूसरा वहाँ पे थी डेफिटल तो ऐसी जॉकन कंपनी में एक पोइट ही खुश हो सकता है आई गेस्ड एंड गेज रिपीटेशन यूज हुआ है यहाँ पे गेज गेज वर्ड को रिपीट किया गया है बट लिटिल थाट केस मतलब मैं उसको देखता ही रहा मैं उनको निहारता रहा काफ़ी देर तक फिर थोड़ा सोचा मैंने वॉट वेल्थ कौन सा मेरा स्परिचुअल वेल्थ है या मैंने कौन से अच्छे काम किए थे कौन से अच्छे पुण्य किए थे द शो टू मी हेड बॉड जिसकी वजह से मुझे ये जो डेफिडिल्स का शो है लाइक द वे दे आर स्ट्रैचिंग इन नैवर एंडिंग लाइन एंड दे आर डांसिंग फ्ल्टरिंग एंड टोसिंग दे आर हेड ये इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए जो मुझे मेरी ऐसे कौन से अच्छे काम हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ या मैं जो अच्छे काम मुझे यहाँ ले आए हैं इनको देखना के लिए ठीक है वो अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा है कि पता नहीं कौन से अच्छे काम किए थे जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर इनको देख पा रहा हूँ for off when on my couch i lie in vacant or in pensive mood the flash upon that inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils for off often kai bar when on my couch jab sofe pe couch par late jata hung kab in vacant jab free hota hum, उस टाइम जब मैं आके अपने सोफे पे बैठ जाता हूँ या फिर जब मैं पेंसिव मूड में होता हूँ पेंसिव मतलब थॉट थॉटफुल मूड थॉटफुल मूड जब मैं सोचता विचारता रहता हूँ आप भी सोने से पहले सोचते हैं कुछ हम थॉटफुल मूड में जाते हैं जब हम अकेले होते हैं ठीक है तो जब कभी भी मैं अपने काउच पर लेटा हुआ रहता हूँ और फ्री uh, रहता हूँ या फिर थॉटफुल मूड में होता हूँ कि कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ दिमाग में कुछ ना कुछ, ना कुछ ना कुछ चलता रहता है दे फ्लैश अप ऑन दन इनवर्ड आई मेरे इनवर्ड आई में यानी कि मेरी इमेजिनेशन में दे फ्लैश अप ऑन वो जो डेफोडिल्स हैं वो फ्लैश हो जाते हैं यानी वो मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं ठीक है विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड और वो मेरे लिए उस अकेलेपन की ब्लैसिंग है वो अकेलापन वो खालीपन जब मैं अकेला काउच पे लेटा हुआ रहता हूँ फ्री रहता हूँ कुछ कुछ सोचता रहता हूँ जब मेरे पास कोई काम नहीं होता जब मैं बहुत अकेला होता हूँ उस अकेलेपन में ये जो डेफिटिल्स हैं ये मेरी इमेजिनेशन में मेरी कल्पनाओं में आ जाते हैं और वो मेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग है ये मेरे लिए उस अकेलेपन का आशीर्वाद है कि मेरे लिए वो अकेलापन कितना अच्छा है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ब्लिस इज अबाउट ब्लैसिंग्स वो मेरे लिए उस अकेलेपन की ब्लैसिंग्स हैं एंड देन माई हार्ड विथ प्लेजफिल्स और फिर मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है And dances with the daffodils or fear un daffodils kissat national. So, this way we have completed this beautiful poem and I hope you are like you must have liked this. And in case if you have any doubt or you want to ask anything, you can post your comment here in the comment box. I will definitely reply you. Thank you so much for watching this video.